غازی 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज व अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। सिर्फ वैसीलियस की मदद उसके लिए नाकाफी होगी। वो उन सरदारों की खोज में है जो उनकी हिमायत कर सकते हैं। दिलों को मत तोड़ें, उस मासूम लड़की को शक की भेंट ना चढ़ाएं। भाभी, अर्तुरुल भाई की जान खतरे में है। मुझे मालूम हुआ है कि वैसीलियस ने अर्तुरुल भाई के काफिले पर कुर्दबाजी के मकाम पर हमला करने के लिए अपने आदमी भेजे हैं। जान ले कि आपको मेहमान बनाना हमारे लिए बाइसे शर्फ है। चावदार में अगर जगह नहीं तो हमारे खेमे आपके लिए हाजिर है। वो मर जाएगी आज। वैसे ही उसको सब मालूम हो चुका है। लानत है, अकलमंदी इसी में है। उस गद्दार को मेरे हवाले कर दे और जो ज्यादा ताकतवर है वो मुकाबले में आ जाए। तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से जीत जाओगे? सिर्फ मुस्कुराकर देखना ही काफी नहीं है दुद्दार का दिल जीतने के लिए। क्या हुआ हलीमा खातून, खौफजदा क्यों है? शायद तुम दुद्दार को कोई मामूली सिपाही समझ रही हो। ना ही चाहत कोई बच्चों का खेल है गुरियेली खातून। ऐसा ना हो कि किसी मुसीबत में फंस जाओ तुम। हलीमा खातून, आखिर आपको मुझसे मसला क्या है? एक खैमे में दो बहुएं नहीं रह सकती क्या? या फिर आपको सरदारी खतरे में पड़ती नजर आ रही है? हद में रहो अपनी। तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह जानती हूँ मैं। दुनदार का ख्याल दिल से निकाल दो और अपने मजमूम मकासिद में उसे इस्तेमाल करना छोड़ दो। क्या हो रहा है, खैरियत तो है? वालिदा हलीमा खातून कालीन की बुनाई में मेरी रहनुमाई फरमा रही थी। अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया। हलीमा खातून से तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओह, बानो जिजेक, क्या हुआ बेटी? यहाँ यहाँ बैठ जाओ, आराम से आराम से। क्या हुआ है तुम्हें बेटी? चक्कर आ रहे हैं मखानम, पेट में भी दर्द हो रहा है। ये सूंघ लीजिए बानो जजे खातून, काली मिर्च का तेल है, आराम आ जाएगा आपको। ये तो बहुत अच्छी दवा है, शुक्रिया गुनियेली खातून। चलो मैं तुम्हें अंदर ले चलूं। आप सहमत ना कीजिए, मैं इन्हें तबीबा के पास ले जाती हूँ, ख्याल रखूंगी इनका। पुदीने का कहवा पियेंगी तो तबीयत बहाल हो जाएगी। काफी अरसे बाद ऐसा महसूस किया है मैंने।
न जाने क्या हो गया था अचानक। एक बार फिर शुक्रिया तुम्हारा। ठीक है बेटी, तुम जाओ, एहतियात से ले जाओ इसे। हेलेना कहाँ है? वो अपने हुजरे में है, कनीजों के साथ शादी की तैयारियों में मसरूफ है। क्या वो किले से बाहर गई थी? जी गिरजा गई थी, और उसके बाद अलविन उस्ताद की दुकान पर रेशम खरीदने के लिए थोड़ी देर रुकी थी। और अलविन उस्ताद? बाजार में कुछ खवातीन अपना भेष बदल कर उनकी हर हरकत पर नजर रख रही है जनाब, आप बेफिक्र हो जाएं। जनाब, क्या हुआ है बताओ मुझे। कमांडर थियो, उन पर हमला हो गया है। सब सिपाही मारे गए, कमांडर थियो उनके कब्जे में। रसद का क्या हुआ? काफला रसद लेकर नहीं जा रहा था जनाब, वो चाल थी उनकी। लानत हो इन तुर्कों पर, लानत हो इन पर। हेलेना भी उन्हीं में से एक है। हेलेना? जनाब ऐसा नहीं कर सकती वो। हेलेना खातून आपसे सच्ची मोहब्बत करती है। थे उनके काफले पर हमला करेगा ये सिर्फ हेलेना को मालूम था। अर्तुरुल को यह खबर देने वाला और कोई नहीं हो सकता। जनाब हटो आगे से। वाफिजो, आपको क्या हुआ मेरे सरताज? आलियार, सरदारान से मेरी मुलाकात के बारे में जानता था। खातून ठीक हूं, मैं ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ मुझे। आलियार मेरे उठाए गए हर कदम से वाकिफ था। हम किले में है ये भी जानता था? यकीनन जानता होगा। अगर मैंने जरा से भी देर की तो आलियार मेरे वकार को नुकसान पहुंचाकर मुझे गद्दार करार दे देगा, और मुआसिज़ीन की नजर में एतबार खो दूंगा मैं। आज की मुलाकात भी लाहासिल हो जाएगी। मुझे फौरी तौर पर कुछ करना होगा। अर्तुरुल हमेशा एक कदम आगे रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? चावदार कबीले पर कब्जा करने के लिए उसने आलियार और कुतलुजा का इस्तेमाल किया था, और किले पर कब्जे के लिए हेलेना का इस्तेमाल कर रहा है। यानी मेरा शुबा बिल्कुल सही था। क्या देखा तुमने बताओ मुझे? हेलेना को एक दुकान से बाहर आते हुए देखा था। उस दुकान का मालिक अर्तुरुल के लिए सोना तलाश करने वाला हजातुरियान था,
और यहां सब उसे अलविन उस्ताद के नाम से जानते हैं। अर्तुरुल बहुत अरसे से इस किले पर घात लगाए बैठा है, अगर उसे ना रोका तो कबीले की तरह किले को भी हासिल कर लेगा वो। बंसी, क्या देख रहे हो ऐसे? कुछ नहीं, समझ नहीं पा रहा कि ये आप हैं या सूरज की रोशनी जो मदहोश कर रही है। वैसिलियस, देखो ये कितना अच्छा लग रहा है मुझ पर। बाहर जाओ यहां से। सुना नहीं तुम लोगों ने? वैसिलियस, क्या हुआ है तुम्हें? तुम मेरी चाहत थी, पर भरोसा था मुझे, तुम्हें दिल से चाहा मैंने, सर आंखों पर बिठाया, हर चीज से ज्यादा अहमियत दी तुम्हें, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने गद्दारी की मुझसे। जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो वैसिलियस? मैं तुम्हारी बीवी बनने वाली हूँ और तुम मुझसे किस तरह से बात कर रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? गलत है, झूठ है ये। तुम्हारे झूठ सुन सुन कर थक चुका हूं मैं। गद्दार हो तुम एक। तुम्हारी वजह से मेरे कितने सिपाही मारे गए। ये सरजमीन और किला जो तुम्हें विरासत में मिला था, तुमने इसका तुर्कों से सौदा कर लिया। कितनी कीमत मिली तुम्हें? हाँ, क्या मिला ये करके? वैसिलियस, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। हाथ छोड़ो मेरा, दर्द हो रहा है मुझे। हमारा पूरा मंसूबा जाकर तुमने उस तुर्क अर्तुरुल को बता दिया। तुम इल्जाम लगा रहे हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उठो, चलो। वैसिलियस, छोड़ो, छोड़ो, वैसिलियस, उठो, छोड़ो, वैसिलियस, छोड़ो मुझे, चलो। वैसिलियस, क्या हो गया? वैसिलियस, खुदा के लिए मेरी बात सुनो। वैसिलियस, भाभी गुनियेली पर बिला वजह सख्ती कर रही है वालिदा, और आल के साथ होने का इल्जाम लगा रही है उस पर। उसके बाबा की गद्दारी की सजा उसे दी जाएगी क्या? ऐसा हरगिज नहीं होगा बेटा, तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। मैं खुद तुम्हारे भाई और हलीमा से बात करूंगी। मैं फैसला कर चुका हूँ वालिदा, मैं जल्द अज जल्द गुनियेली से निकाह करना चाहता हूँ। जितनी देर होगी मसाइल उतने ही बढ़ेंगे। मेरे बच्चे, औलाद का निकाह कराना वालदैन की जिम्मेदारी है, लेकिन हर काम का एक सही तरीका होता है। ये बात सबसे पहले तुम्हारे भाई को बतानी होगी हमें। उसके मशवरे के बगैर कोई फैसला नहीं ले सकते। वालिदा, भाई भी नहीं समझ पाएंगे। जब तक मैं गुनियेली से ना पूछ लूं, आप भाई से कुछ नहीं कहेंगी।
अर्तुरुल कभी इस कबीले में ऐसे दाखिल नहीं हुआ, जरूर कोई ना कोई बात है। अब्दुल रहमान, फरमाइए भाई। थियो को कैद खाने में डाल दो, मुहाफिज तैनात कर देना और खुद भी वहीं रहना। जैसा आपका हुक्म भाई। तुर्गुत, याज के खेमे की तरफ चलो। जैसा आपका हुक्म भाई। अर्तुरुल साहब, उराल के पालतू हो तुम, और अब तुम अपना आखिरी पैगाम वेसिलियस तक पहुंचाओगे। तुर्गुत, इसकी लाश मक्तूब के साथ वेसिलियस को भिजवा दो, और इसके साथ शामिल सिपाहियों को भी पहुंचा दो उनके अंजाम तक। जैसा आपका हुक्म भाई। भाई, क्या आपको यकीन है कि इसकी लाश भेजने से हेलेना की जान बच जाएगी? इंशाल्लाह बमसी, हौसला रखो। अर्तुरुल साहब, ये सब क्या हो रहा है? आप इस तरह कैसे हमारे सिपाही को मार सकते हैं अर्तुरुल साहब? असलेहान खातून, आलियार साहब की गैर मौजूदगी में नायब आप हैं, पूरा हिसाब होना चाहिए इस कत्ल का। अजार साहब, अर्तुरुल साहब को यकीनन कुछ मालूम होगा। हम सरदार आलियार के साथ शुरू से ही इसके ताकुब में थे, हमने दो बार इसे इस्तेमाल किया। रसद पर कब्जे और वेसिलियस के सिपाहियों पर हमले के लिए यह हमारा मोहरा बना। सरदार आलियार सब कुछ जानते हैं। मैं चाहता था यह जिंदा रहे, लेकिन हमला करना सबब बना इसकी मौत का। तुर्गुत, इसकी लाश ले जाओ यहां से। जी भाई। इंशाल्लाह ये तुम्हारे कबीले में आखिरी गद्दार होगा पुतलुजा। सामसा, ये आंसू बहाना बंद करो और मुझे बताओ कि क्यों बगावत की तुमने।
अर्तुरुल ने क्या जहर घोला है तुम्हारे अंदर? तुम अर्तुरुल तक मालूमात कैसे पहुंचाती थी? मैं बेकसूर हूं वैसे भी उस। मैंने गिरजे में अपनी शादी की तैयारियों के सिवा कुछ नहीं किया। बंद करो ये बकवास, तुम अब भी इनकार कर रही हो। तुम मुझ पर कैसे शक कर सकते हो वैसे लिए? रहम करो मुझ पे, खुदा के लिए रहम करो मुझ पे। तुम्हारे खूबसूरत चेहरे ने और तुम्हारी मीठी जबान ने मुझ में जहर भर दिया है एलना। इन नाजुक हाथों ने मेरी पीठ में खंजर खोपा है। तुम इस जिंदान में सिसक सिसक कर जान दोगी, यही मुकद्दर है तुम्हारा। बिल्कुल तुम्हारे कहने के मुताबिक तुम्हारा अंजाम इतना इबरतनाक करूंगा मैं कि लोग सबक हासिल करेंगे और दोबारा किसी को ऐसा करने की जरूरत नहीं होगी। अपने किए की सजा भुगतोगी तुम। तुम्हें पता है कि किला मेरे बाबा की मिल्कियत है, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं इस किले से और उस शख्स से जिससे मेरी शादी होने वाली है कैसे गद्दारी कर सकती हूँ? अर्तुरुल के खौफ ने तुम्हें पागल कर दिया है। तुम जैसे अजीम कमांडर को उसके खौफ ने किस हाल तक पहुंचा दिया? तुम उन बदबख्त तुर्कों को अपने साथ ऐसा कैसे करने दे सकते हो? उसने तुम्हें इतना डरा दिया कि जिस लड़की से शादी करने वाले उसे जिंदान में फेंक दिया। अर्तुरुल ने जहरीला बना दिया है तुम्हें। छोड़ो, छोड़ो। आपने सही कहा था अर्तुरुल भाई, वो मलून किले में दुश्मनों का गुलाम बन चुका है और तुर्क सरदारान को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है। आवर साहब, अफसीन साहब, औजा साहब मुझे जंगल में मिले थे। यकीनन वो लोग उराल के साथ हैं। उन्होंने माना तो नहीं, लेकिन उनके साए से ज्यादा उनके छूट पड़े थे अर्तुरुल भाई। जब खैर इत्तेहाद कर ले तो शर भी इत्तेहाद कर लेता है। हमारे इत्तेहाद ने उन्हें खून के आंसू रुला दिए। आप और आल को जान से न मारने पर मायूस ना हो, यह ना समझें कि वो बच निकला है हमसे। बहुत जल्द वो अपने अंजाम को पहुंचेगा इंशाल्लाह। अल्लाह की मदद शामिल रही तो अपने हाथों से जान लूंगा उसकी मैं, लेकिन गद्दार मेरा भाई है ये सोचकर बहुत दुख होता है अर्तुरुल भाई। यही आपका सबसे कड़ा इम्तिहान है आलियार साहब। अगर वो सरदारान उराल के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो उनका अंजाम भी उराल जैसा ही होगा। अगर वो गद्दार का साथ देंगे तो दुश्मन है हमारे। जब जमींदार वैसिलियस को उस गद्दार यास की लाश मिलेगी तो उसे उराल की नाअहली का यकीन हो जाएगा और उसका भरोसा उराल पर से उठ जाएगा। उसकी जिंदगी के दिन गिने जा चुके हैं। जमींदार वैसे उसको खबर करो जाकर।
अब क्या हुआ, क्या हुआ है? आपको कुछ दिखाना है जनाब। अर्थरुल ने लाश के साथ एक मकतूब भेजा है आपके लिए। लाश? खोलो इसे। दरवाजा खोलो। हटो, दूर हटो यहां से। कौन है ये आदमी उराल? क्या वैसेलियस यकीन कर लेगा अर्तुरुल भाई, क्योंकि हेलेना खातून की जिंदगी इसी पर मुनसिर है। वैसेलियस को यकीन करना होगा अलियार साहब, हम जालिम के दिल में पहले ही परेशानी डाल चुके हैं। सब ठीक होगा इंशाल्लाह भाई। कौन है ये आदमी? याज, मेरा सबसे ताबेदार सिपाही। तो ये था जो कबीले की खबरें तुम तक पहुंचाता था? अर्तुरुल जान गया होगा कि ये मेरा वफादार है। उराल के पालतू याज से मैं बखूबी वाकिफ हूं वैसेलियस। जो गद्दार तुमने हमारे दरमियान भेजा था, तुम्हारे ही खिलाफ इस्तेमाल किया गया है उसे। ये जान लो कि अभी तो आगाज है। तुम्हारे भेजे गए जंगजू भी मारे जा चुके हैं। मैं बहुत जल्द तुम्हारे किले की ईंट से ईंट बचाने आऊंगा अर्तुरुल। सब जानता है वो। अर्तुरुल हमें बेवकूफ बनाता रहा। अर्तुरुल तक हमले की खबर पहुंचाने वाली हेलेना नहीं थी। उसने तुम्हारे इस अहमक सिपाही को इस्तेमाल किया है। तुम्हारी वजह से मैं अपनी होने वाली बीवी को जान से मारने वाला था अहमक। मेरे रब हमें अपने अजीम लश्कर में शामिल फरमा। हमारी नस्लों को इस अजीम मर्तबे से महरूम न रख। हमें अपनी फलाह और निजात से बहरामंद फरमा। हमारे परचम को सरबुलंद फरमा।
हमें इस्तकामत अता फरमा और हमारी ताकत को तकवीयत अता फरमा। मेरे अमल की कबूलियत मेरी ख्वाहिश है। तेरे दीन की सरबुलंदी के लिए जिहाद करते हुए इन जंगजुओं को अजीम फतूहात से हमकिनार फरमा। मुझे और मेरी नस्ल को अपने मुबारक मकसद की राह में कबूल फरमा। तुम जैसे बेवकूफ पर यकीन करना मेरी गलती थी। अहमक, तुम्हारी वजह से मैं हेलेना को जाल से मारने वाला था। ये अर्तुरुल का बिछाया हुआ जाल है जो उसने हमारे इत्तेहाद को तोड़ने के लिए बिछाया है, समझे? ये सब कुछ तुम्हारी बात मानने का नतीजा है उड़ान। तुम्हारे सिपाही का किया धरा है, तुम्हारा भेजा हुआ जासूस पकड़ा है उसने। बल्कि शायद किले में मौजूद वो गद्दार तुम ही हो उड़ान। अगर तुमने मुझे मार दिया तो किले में मौजूद गद्दारों को कभी बेनकाब नहीं कर पाओगे, याद रखना। क्या आप भी गद्दार हैं? क्या आप भी गद्दार मौजूद हैं? कब खत्म होंगे तुम्हारे ये फरेब? वैसिलियस, हेलेना की वो दुकान, उसका किरायेदार, एल्विन उस्ताद, गद्दार है वो। अर्तुरुल का मुखबिर वो ही है। मेरे बाबा की दुकान किराए पे लेने वाले ताजर आप है क्या? मेरा नाम उस्ताद एल्विन है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। आज से पहले आप कहाँ तिजारत करते थे एल्विन उस्ताद? मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। दुनिया के कई मुल्कों में कारोबार फैला हुआ है मेरा। बोलो। हेलेना के लिए परेशान हो रहे हो बंसी? बंसी, बस वरना मर जाएगा। चावदार कबीले में कौन कौन है तुम्हारे साथ और किले में हेलेना किस हाल में है इस वक्त? जिस तरह किले में तुम्हारा जासूस कौन है हमें मालूम हो गया, उसी तरह तुम भी जान जाओगे कौन है गद्दार अर्तुरुल साहब। हाँ, और बेचारी हेलेना वो तो मरेगी। भाई पता नहीं हेलेना किस हाल में होगी। इसे जिंदा रखने का कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं बताएगा ये, जान से मार दें इसे। मैं तो अपने जंगजुओं के साथ पहले ही मर चुका था जिन्हें तुमने मारा। अब तुम मुझे कोई फायदा या नुकसान नहीं पहुंचा सकते और ना ही हेलेना की जान बचा सकते हो। कबीले में गद्दार कौन है ये भी नहीं जान सकोगे। आसान मौत नहीं होगी तुम्हारी। हर बाजंतीनी की चीखें सुनोगे तुम जिसे हम मारेंगे। उनके सरों का पहाड़ बना होगा और तुम्हारा सर उस पहाड़ की चोटी पर होगा। सबके सब मारे जाओगे, कोई नहीं बचेगा। सब मरेंगे। हाँ,
आलियार साहब, अजार पर नजर रखकर हम औरों तक पहुंच सकते हैं। इस बदबख्त से मजीद कुछ जानना मुश्किल है। भाई, ये किसका पालतू है साफ जाहिर है, लेकिन अगर हम साबित ना कर सके तो सरदारान को यकीन नहीं आएगा। याद करो वो दुकान, याद करो वैसिलियस, सब कुछ वो दुकान किराए पे चढ़ने के बाद शुरू हुआ। बुलाल, चौलपान, चौलपान ने देखा था उसे, ये जानती है उस बूढ़े को। जमींदार साहब, इन्हें छोड़ दीजिए, हाजत ओरियान को जानती हूँ मैं। बाबा का सुनार था वो, सोने की कान की देखभाल किया करता था। अर्तुरुल ने उसे बाजार में गुलामी से आजाद करवाया था, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। वो अर्तुरुल का साथी है, यकीन करें आप हमारा। कान पर हमला होने के बाद उसने यहां भेज दिया उसे। हमें एक दूसरे के साथ मिलकर अपने दुश्मन से निमटना होगा जमींदार वैसिलियस। उसने हमारे लिए जाल बिछाया, अब हम उसके लिए जाल बिछाएंगे। अब भी तुम साथ मिलने की बात कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। तुम पर एतबार करने का नतीजा देख लिया, तुम्हारे आदमी तुम्हारी तरह बेवकूफ हैं। तुम कहते थे सब तुम्हारे ताबे हैं और सब कुछ तुम्हारे काबू में है। अर्तुरुल आसान हदफ नहीं कहा था मैंने, लेकिन अब भी मेरे भरोसे के सरदार और जंगजू वहां मौजूद हैं। उसने हमारे आदमियों को मौत की नींद सुला दिया, अब हमारी बारी है, एक दूसरे के साथ मिलकर चलना होगा हमें। अर्तुरुल आसान हदफ नहीं जानता हूं मैं, सारे अहमक मेरे हिस्से में ही क्यों आते हैं? मेरे हिस्से में ही क्यों आते हैं सारे अहमक हैं? क्यों? इन दोनों को इनके कमरे में बंद कर दो। अगर एल्विन उस्ताद गद्दार ना हुआ तो मार देना इन्हें। एल्विन उस्ताद कौन है, इस बात का पता किस तरह लगाया जाए? जनाब, जिंदान में जो कैदी है चोलपान खातून के वालिद का नाइब था, वो उस वक्त किले में आने वाले हर शख्स को जानता है, एल्विन को भी जानता होगा। आफरीन, ठीक कहा तुमने, यही करो। इब्लीस इंसान, मालूम कहीं का गलती करती तुमने बमसी, गलती करती। मुझे उसी वक्त से खत्म कर देना चाहिए था, इतनी बड़ी गलती कैसे करती मैंने? गलती करती बमसी, गलती करती। खुद को संभालो बमसी। भाई, मेरी जान आप पर कुर्बान, मुझे इजाजत दीजिए किले पर हमला करने की इजाजत दे। भाई, हेलेना की जान खतरे में है, पता नहीं किस हाल में होगी वो, आपने उसकी बात सुनी ना, वो उसे मार देंगे। हम ये बात कर चुके हैं बमसी, सबसे पहले संभालो खुद को, तुम्हारा गुस्सा पहले भी परेशानी का बायस बना था, अब नई परेशानी चाहते हो। थियो यास के बारे में नहीं जानता कुछ। वैसिलियस गद्दार यास की लाश देखने के बाद हेलेना पर हरगिज शक नहीं करेगा, वो ओराल पर मजीद एतबार नहीं करेगा। हेलेना के बजाय ओराल मुश्किल में है इस वक्त। हाँ, मतलब हेलेना खैरियत से होगी भाई, शुक्र है। और फिर थियो यास के बारे में भी कुछ नहीं जानता, हेलेना को भी कुछ नहीं होगा। हाँ ठीक है, लेकिन भाई जब तक मैं उसे अपनी आंखों से सही सलामत ना देख लूं, तब तक मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा भाई, मैं बेचैन रहूंगा। फिक्र मत करो तुम। हाँ, बहुत शुक्रिया भाई, इजाजत दीजिए। भाई, आपने मुझे याद किया, सब खैरियत तो है? एक जरूरी बात करनी है तुमसे। तुंदार,
आओ मेरे साथ। ये क्या हुआ? मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हुआ। क्या हो गया उस्ताद, आप इतने बेचैन क्यों हैं? वैसेलियस, उसने हेलेना को जिंदान में कैद कर दिया है। समझ में नहीं आ रहा कि ये बात झूठ है या सच। क्या, ये क्या कह रहे हैं आप उस्ताद? वो क्यों करेगा ऐसा? मुझे क्या मालूम, मेरे कानों ने बस इतना ही सुना है। सब्र करें उस्ताद, मामले की तह तक पहुंचना पड़ेगा। जल्दी कुछ करो, पता लगाओ ताकि अर्तुरुल भाई को बता सके हम। जल्दी से देखो इस आदमी को, जानते हो इसे? वो हाँ, कौन है ये आदमी? जानता हूं इस आदमी को। ये आदमी सोने का ताजिर आचा चोरियान है। दोबारा गौर से देखो इसे। ये पिछले जमींदार के दौर में बहुत अमीर आदमी था, बहुत दौलत थी इसके पास, और मैं इस आदमी को कभी नहीं भूल सकता। वही हचातुरियान है ये। हाँ वही है, लेकिन तुम्हें क्या काम है इससे? अर्तुरुल बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंचेगा। तुर्कों के खिलाफ आपकी दरखास्त पर बादशाह ने सिपाहियों की कुमक रवाना कर दी है जनाब। वो सिपाही बहुत जल्द किले में होंगे। तुम चाहत हो मेरी, पूरी दुनिया भी मुकाबिल आ जाए कर, पीछे नहीं हटूंगा। इल्गिन बुलवाकर मुझे अपनी वालिदा से मिलवाना चाहते हैं। उनका कहना है कि वहां आकर निकाह की तैयारी की जाए। गुनियेली, ये राज हमारे दरमियान रहना चाहिए, किसी को भी इसकी खबर नहीं होनी चाहिए। असलेहान, अगर निकाह नहीं करना चाहती हो तुम, तो मैं भरपूर साथ दूंगा तुम्हारा।